गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। लेट्स स्टार्ट अवर सिविक्स चैप्टर मैम। हाँ, सिविक्स का जो चैप्टर है 5 जुडिशरी, जिसको हमने पेज नंबर 59 तक पढ़ा था, और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 60 से। यहीं से स्टार्ट करना है ना, पेज नंबर 60 से ही स्टार्ट करना है ना। आप अपना माइक ऑन करके बताओ। यस मैम, 60 से करना है। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। कि ये जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम जो है, उनके अलग अलग कौन कौन से ब्रांचेस हैं। मैम आपने ये पढ़ा दिया था। मैम वो आपने पढ़ा दिया था, 61 पेज नंबर वाला पढ़ाना है। 61 से करना है मैम, ये भी करवा दिया। 62 से करवाना है मैम। क्वेश्चन आंसर भेज दिया आपने तो। मैम आपने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, कर भी लिए। एक क्वेश्चन आंसर तो भेज दिए, लेकिन इसका कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है कि छूट गया था। लास्ट का मैंने टॉपिक जो है वो छोड़ा था इसका। नो मैम, आपने 62 पेज पे मैम आपने सारा पढ़ा दिया था। हो गया था क्या कंप्लीट ये? यस मैम। यस मैम। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए? यस मैम। यस मैम। तो फिर ऐसा करते हैं, 6 वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जो 6 हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है और इसको कंप्लीट करने के बाद में हिस्ट्री को लेंगे। और इससे पहले एक आप लोगों को और मैसेज दे देती हूँ कि अब आपका कल एक टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको एक चैप्टर दे देती हूँ। कोई भी आप सिविक्स में ले लो, क्योंकि सिविक्स आपके उस एग्जाम में हुआ नहीं था सिविक्स का। तो सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कल एक रिवीजन टेस्ट है, ठीक है मैम। वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में आपको कल ही पता चलेगा कि रिटन टेस्ट है या किस तरीके से आपको फोटो सेंड करनी है या आपको बुलाया जाएगा। वो जो भी मैटर है वो आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसके साथ साथ इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे क्या? यस मैम। हाँ, तो वो सारी चीजें आप क्या करोगे, लर्न करोगे, ठीक है, वो कल के टेस्ट के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। व्हेन वी सी समवन वायोलेटिंग द लॉ वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। कि जब हम देखते हैं कि कोई भी लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि कोई अगर हेलमेट नहीं पहन रखा है किसी ने ड्राइव करते टाइम, जो आप स्कूटी या बाइक वगैरह ड्राइव करते हो, या फिर कोई फोर व्हीलर ड्राइव करते टाइम आप कोई सीट बेल्ट यूज नहीं करते हैं, या बहुत फास्ट, जब बहुत भीड़ वाली जगह होती है वहाँ बहुत फास्ट ड्राइविंग की जाती है, या फिर हम कहीं किसी को कुछ गलत कहते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, लॉज को तोड़ना, वायोलेटिंग ऑफ लॉ, यानी कि नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम पुलिस को सीधा इन्फॉर्म करते हैं। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज पुलिस ऑफिसर्स फिलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन। कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है किसी भी इंसिडेंट के बारे में, तो ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में और मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, उसके लिए पहले रिपोर्ट लिखती है, और रिपोर्ट लिखने के बाद में और फिर उसे उस पर्सन को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है।
Because of the role played by the police in arresting person, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. यानी कि जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आती है और आने के बाद में वो पुलिस ही वो इंडिविजुअल पर्सन है जो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है उसकी गलती है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? पुलिस। उसी बेस के, उसी रिपोर्ट जो फाइल की जाती है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, ये डिसाइड करता है कौन? पुलिस, कि उसकी गलती है या नहीं। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। जैसा कि ये तो हमेशा का जो मतलब कि जो रियल ट्रू है वो सभी जानते हैं। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द accused person is guilty or not. इसके बाद में जब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पे कौन आता है, जो कोर्ट आता है, यानी कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि पर्सन जो है उसकी गलती है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को क्राइम क्रिमिनल जो है वो बता दिया जाता है उस पर्सन के लिए, यानी कि क्या किया जाता है, हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल, यानी कि हर तरीके से उसके खिलाफ जो भी जानकारी कोर्ट या पुलिस जो है वो ले सकती है वो सारी चीजें क्या की जाती है, बहुत डिटेल में उसके बारे में जाना जाता है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल? क्या आपको पता है फेयर ट्रायल क्या होता है? तो हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? FIR के बारे में तो हमने सुना है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में जिस जो क्रिमिनल होता है उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, FIR कहते हैं। और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? इन दिस चैप्टर वी यूज अ फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट टू ट्राई एंड हाईलाइट द प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी कि यहाँ इसके चैप्टर के अंदर एक छोटी सी इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट दिया गया है किसके बारे में, थेफ्ट, चोरी के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कौन कौन से लोग इंडिविजुअल पर्सन इंक्लूड हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। मोस्ट केसेस गो थ्रू ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू वन डिस्कस्ड इन अवर फिक्शनल केस, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस एज वेल एज द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले within the criminal justice system is crucial so that if ever the occasion should arise you are aware of the process that should be followed। यानी कि हम जो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड होते हैं और किस पर्सन का क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया गया है, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। यानी कि इसमें क्या है, यहाँ एक लेडी जो बैठी हुई है, जो कोर्ट के अंदर का सिचुएशन यहाँ बताया जा रहा है, तो वहां पर वो क्या कर रही है कि सिर्फ मैं यहाँ पर क्या ट्रायल के लिए लाई गई हूँ। तो ट्रायल क्या चीज है उसके बारे में हम जानेंगे। तो 18/7/2006 ये इंसिडेंट जो है वो कब का है, 18/7/2006 का है। At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. यानी कि एक मुंबई के अपार्टमेंट में कौन रहता था, मिसेस शिंदे रहती थी। वो जब रेडी हो रही थी, तैयार हो रही थी, तब उन्होंने क्या देखा कि अपनी गोल्ड चेन वो ढूंढ रही थी काफी एक घंटे से, मतलब बहुत परेशान थी वो उस गोल्ड चेन को लेकर। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर, वेयर कुड इट बी। यानी कि ये कह रही थी कि मुझे अच्छे से याद है कि वो गोल्ड की चेन जो है वो मैंने इसी ड्रॉर में रखी थी। आप पेज नंबर 67 पर जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए कि ये क्या कह रही है कि जो मैंने गोल्ड चेन थी वो कहाँ रखी थी, इसी ड्रॉर में, अब वो कहाँ जा सकती है। तब इसके बाद में दूसरा जो पिक्चर दिया गया है उसमें देखो क्या है, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। जल्दी करो, उनके जो हस्बैंड थे वो क्या कह रहे थे कि आप जल्दी करो,
नहीं तो हम क्या है वेडिंग के लिए लेट हो जाएंगे, इसका मतलब वो किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में आई कांट फाइंड माई गोल्ड चैन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर, यानी कि ये अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं कि मुझे मेरी गोल्ड की चेन जो है वो नहीं मिल रही है, वो मैंने इसी ड्रॉर में ही रखी थी। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, कि मुझे ऐसा लगता है कि शांति ने ही इस गोल्ड चेन को चुराया होगा। शी ऑलवेज स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम, कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो मेरे रूम को साफ करने में लगाती है, तो हो सकता है मेरी जो गोल्ड चेन है वो उसी ने ही चुराई होगी। शांति उनके घर में काम करने वाली जो बाई होती है उसका नाम है। शांति हेम्ब्राम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years, यानी कि वो उनके घर में कितने सालों से काम कर रही है, 3 सालों से काम कर रही है। शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट। कि शांति को मिसेस शिंदे जो है वो क्या कहती है कि शांति क्या आपने चोरी जो है वो शुरू कर दी, यानी कि अब आपने चोरी करना शुरू कर दिया है, मेरी गोल्ड चेन जो है वो तुम्हारे पास ही है, यानी कि तुमने मेरी गोल्ड चेन भी चुरा ली, और तुम्हारा जो ट्रंक है, ट्रंक मीन्स उसकी जो वो पेटी जो होती है उसको कहते हैं, कि वो पेटी जो है वो आप लेकर आओ, उसको उसमें मैं देखूंगी, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अब वो गोल्ड चेन जो है वो तुम्हें मुझे अभी रिटर्न करना होगा। मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, यानी कि वो क्या कहती है शांति कि नहीं मैंने तो नहीं चुराया। मिसेस शिंदे सर्च शांति ट्रंक एंड फाइंड्स एन एनवेलप विद ₹10,000 इन इट, कि मिसेस शिंदे जो उनके ट्रंक को सर्च कर रही थी, शांति के ट्रंक को देख रही थी, उसे क्या मिला, एक एनवेलप मिला जो कि कितने का था, यानी कि उस एनवेलप में कितने पैसे थे, ₹10,000। उस ट्रंक में ₹10,000 थे। He screams at Shanti saying that this is the money she got from selling the chain. यानी कि वो क्या कहती है मिसेस शिंदे कि ये वो पैसे हैं जो आपने कहाँ से चुराए हैं, मेरी चेन को आपने क्या किया, बेच दिया, और उससे जो पैसे मिले वो ये पैसे वही हैं। साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year, यानी कि मेरे भाई और मैं हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग कर रहे हैं, और एक साल से पूरे 1 साल से ये पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। वी वॉन्ट टू बाई ए बुल वेन वी गो टू अवर विलेज, यानी कि जब हम गांव जाएंगे तब हम क्या करेंगे, बैल खरीदेंगे। मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन, मिस्टर शिंदे जो थे वो कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। एंड आई हैव कम टू फाइल एन एफ आई आर, वो क्या कहते हैं पुलिस को कि मुझे एक FIR दर्ज करवानी है। देयर हैज बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस, कि मेरे घर में क्या हुई है, चोरी हुई है, इसलिए मुझे एक FIR लिखवानी है। माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ नेकलेस, कि मेरी जो मेड है उनके घर की जो नौकरानी है उन्होंने क्या किया है, एक सोने की चेन, मेरी वाइफ का जो नेकलेस है वो चुराया है। Yes, तो वहां पर क्या कहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि हाँ बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर कौन होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं, ठीक है। राव, वो कौन थे, राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेस FIR, जिन्होंने क्या किया कि मिस्टर शिंदे उनकी FIR को दर्ज करवाया, ठीक है। FIR को दर्ज करवाया। फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 68 पर, मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव, कि मिस्टर शिंदे वो सब इंस्पेक्टर राव के साथ में वापस आते हैं। एंड आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेड अबाउट हिज दिस थेफ्ट, यानी कि अब वो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, मिस्टर शिंदे से लिखवाएंगे कि उनके घर में जो चोरी हुई है उस चोरी के बारे में एक स्टेटमेंट लिखवाया जाएगा। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज द मनी, यानी कि सबसे पहले तो वो एनवेलप जिसके अंदर उस पैसे को रखा गया था, यानी कि वो जो पैसे थे जिस एनवेलप के अंदर, उस पैसे को क्या कर लिया गया, उस एनवेलप को क्या किया गया, सील कर दिया गया। एंड
टेक इट विथ मी एज एविडेंस, और उस एनवेलप को पुलिस ने क्या किया, एक एविडेंस सबूत के रूप में अपने पास रख लिया। आई एम अरेस्टिंग शांति, अब वो पुलिस क्या कर रही है, शांति को अरेस्ट कर रही है। एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन, और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलिन द चेन। शांति क्या कहती है कि प्लीज आप मुझे मत लेके जाओ, मैंने वो चेन नहीं चुराई है। दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। सुशील शांति's ब्रदर अराइव एंड प्लीड विद एसआई राव टू रिलीज शांति, यानी कि सुशील जो कौन था, शांति का भाई था, वो वहां पर गया पुलिस स्टेशन। उसने जो इंस्पेक्टर्स थे जितने भी, उन सभी के आगे क्या किया, उसने हाथ जोड़े कि मेरी बहन जो है वो निर्दोष है। जो एसआई जिसने रिपोर्ट एफआईआर लिखी थी, उनके सामने हाथ जोड़ने लगा कि मेरी जो बहन है वो क्या है, निर्दोष है, आप शांति को छोड़ दीजिए। बट शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर। की पुलिस जो है वो क्या कहते हैं उसको कि आप उसके खिलाफ जो है वो चोरी का इल्जाम लगाया गया है, वो भी एक सोने की चेन उसने चुराई है, तो आप क्या कर सकते हो, जेल मतलब कि जो कोर्ट है वहां जाओ और उसके लिए बेल ऑर्डर, यानी कि जिससे उसको बेल मिल जाए, मतलब कि रिहा हो सके वो जेल से, तो ये ऑर्डर आपको कहाँ मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा। तो कोर्ट में आप जाके लिखवा के ला सकते हो। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, कि मेरे पास पैसे कहाँ है कि जहां मैं एक लॉयर को हायर कर सकूं, यानी कि एक लॉयर को मैं ले सकूं। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरली फॉर हर, और कौन उसके लिए, यानी कि कौन उसके लिए बेल के लिए वो मानेगा, कि कौन उसकी बेल करवाएगा, कौन उसकी बेल करवाएगा। एंड आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, एंड हु विल स्टैंड एज श्योरली फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये सारे पैसे ले सकते हो, यानी कि जितने भी पैसे बचे हुए थे वो सारे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हो। फिर है एसआई राव फोर्सिबली किप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 डेज, कि एसआई राव उन्होंने सुशील को फोर्सली पुलिस स्टेशन में 2 दिन तक रखा। एंड सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय एसआई राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल। सुशील को पुलिस स्टेशन में जो एसआई राव थे उनके द्वारा, उन्होंने क्या किया, पुलिस कांस्टेबल के द्वारा उसे पीटा गया। 2 दिन रखकर उसकी काफी पिटाई की गई। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट दैट हैड स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम, यानी कि इसके बाद में उससे ये कहलवाया गया कि सुशील और उसकी जो सिस्टर शांति थी, उन दोनों का क्या था, एक गैंग बना हुआ है जो क्या करते हैं, जितने भी जो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लोगों के घरों में काम करते हैं और वहां से वो चोरी करते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड, ऐसी ही चोरी की कंप्लेंट जो मिस्टर शिंदे थे उनके घर के आस पास जो उनके पड़ोसी थे उनसे भी मिली। As Sushil kept repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. यानी कि जैसा कि सुशील जो है वो एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में, जब उसका पता चला कि वो क्या है, कहीं पर काम नहीं करता है बल्कि क्या है, फैक्ट्री का वर्कर है, तो 2 दिन काफी उसकी पिटाई करने के बाद में पुलिस ने क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो ये चैप्टर आप यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है। फर्स्ट चैप्टर के जो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है कि कल उसका टेस्ट होगा, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे।